नमस्कार, कंपोस्ट कल्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होगा वह है हिस्ट्री ऑफ बिगनिंग्स एग्रीकल्चर। तो आशा करता हूँ यह हर किसान को जो भी खेती करता हो, चाहे फूलों का हो, चाहे सब्जियों का हो, चाहे अनाजों का हो, जैसा भी खेती करता है, यह सब उन सबको यह वीडियो जरूर से जरूर देखे। हमारा जो पहला वीडियो था वो इंडियन कल्चर पर था, तो यह वीडियो जरूर देखे, इसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा। जो इंडियन कल्चर का एक छोटा संग है वो है एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो की मुख्य बातें होगी कि भारत में कृषि की शुरुआत कैसे हुई थी, खेती करना हो गया, खेती के औजार हो गया, जानवरों का उपयोग हो गया और खाद का प्रयोग हो गया। तो भारत में कृषि की शुरुआत, तो कृषि की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व पहले हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत कृषि कार्य हो रही थी। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि का कार्य हो रहा था वो बहुत उन्नत रूप से हो रहा था, बाकी जगह साधारण रूप से हो सकता है। उस समय पूरा दुनिया कृषि के बारे में नहीं जानता था। तो सोचिए उस समय भारत में कृषि का शुरुआत भी हो चुका था, कृषि के ज्ञान में हम लोग सारी दुनिया से कितनी आगे थे, हम लोग का विचार कितना आगे था, हम लोग का कार्य कितना आगे था, ये इस बात पर हम सबको गर्व है। खेती करना, तो उस समय जो हमारा खेती होता था वो गेहूं का, जौ का, कपास का, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता था, धान का, तिल का आदि उगाते थे उस समय। जरा आप सोच लीजिए कि इन चीज़ों का उसमें हम लोग उगाना शुरू कर चुके थे। और दूसरी बात, उन जो उगाते थे उसका उन्नत बीज का खोज करना और उन बीजों को अच्छे से सुरक्षित से उसको संजो कर रखना, फिर जो उगता था उसको अनाज को उसको अच्छे से भंडारण करना, फिर खेती में सामूहिक रूप से कार्य करना। इसका मतलब होता है कि उस समय जो खेती होता था वो किसी एक परिवार का नहीं होता था, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था, उसे पूरे गांव वाले लोग वो खेत में जाकर सामूहिक रूप से कार्य करते थे और जो उपजता था तो आपस में बांट लिया करते थे। खेती के औजार में मुख्य रूप से हल होता था। तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाया जा रहा है, यह द्वापर युग के श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का है जिनके हाथों में हल है। तो आप समझ सकते हैं उस समय खेत को जोतने के लिए औजार के रूप में हल का प्रयोग करते थे। जानवरों का उपयोग मुख्य रूप से खेत को जोतना होता था और सामान को ले जाना होता था। तो आप यहाँ एक पिक्चर दिखा रहे हैं जहाँ पर दो बैल है जो हल से खेत को जोता जा रहा है। अब खाद का प्रयोग, अनाज का उत्पादन सही रखने के लिए खाद का उपयोग करते थे। तो मुझे यह ऐसा लगता है जब एक खेत में बारंबार अनाज उगाया जाता होगा तो कुछ सालों में अनाज का उत्पादन कम हो जाता होगा, तो वहाँ के जो ऋषि मुनि होगा, जो किसान होगा, वो इसको प्रयोग किए होंगे कि खाद का उपयोग किया जाए और अनाज का उत्पादन सही रखा जाए। तो सोच लीजिए उसमें खाद का निर्माण करना भी जान गए होंगे और गाय का गोबर से ही सही खाद बनेगा यह भी उन लोग जान गए। उस समय नए समुदाय का जन्म हुआ जिनका काम था गायों की संख्या को बढ़ाना और अधिक से अधिक गोबर को जमा करना। उस समय के सभ्यता का फायदा यह था कि सभी के पास 100% रोजगार था, 100% स्वस्थ होते थे, प्रकृति के साथ खेती करते थे, सभी खुशहाली जीवन व्यतीत कर रहे थे, कृषि में नई खोजों की शुरुआत हो रही थी, 100% हर चीज़ का रिसाइकल होता था, कचरा का एक कण भी निर्माण नहीं होता था। आप जब यह वीडियो देख रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि उस समय का जीवन यापन कैसा होता था, वहाँ का इंसान कैसे होते थे, वहाँ का कितना अच्छा वातावरण होता होगा, वहाँ का हर एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाप में रहते होंगे, कितना अच्छी बात है। जब ये हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार हमारा कृषि ही है, इसे भारत का कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि जो पूरा दुनिया कृषि के बारे में नहीं जानता था उस समय
हम लोग कृषि में नए नए आयाम बना रहे थे, नए नए खोज कर रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे। और अगला वीडियो का विषय होगा कृषि का विकसित होना, कि किस तरह से हम लोग कृषि में विकसित हुए हैं और क्या क्या उगाए हैं, कैसे अपने आप को विकसित किए होंगे, किस तरह से आगे बढ़े होंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का छोटा सा रूप है। तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कृषि का शुरुआत का इतिहास जानकर आप लोग अंदर से बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। ऋषि मुनियों के उन किसानों के वंश है जो पूरा दुनिया को हम लोग कृषि करना सिखाए थे। आशा करता हूँ कि हमारा कंपोस्ट कल्चर को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।